अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के अंदर वो फाइल जो हमारी किसी मकसद की नहीं होती और बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, इसकी वजह से हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो जाता है। हमने उनको कैसे डिलीट करना है? सबसे पहले आपने विंडो प्लस आर को एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, नीचे बॉटम पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास रन का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। आपने उसमें लिख देना है TEMP टेम्प फाइल, टेम्प लिख देना है, उसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके पास ये सामने, मेरे पास ये तकरीबन चार पांच फाइलें ओपन हुई हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो उस वजह से ये इनको मैं जब डिलीट करता हूँ तो मेरी वीडियो इससे रुक जाती है, क्योंकि वीडियो भी बैकग्राउंड में ही चल रही होती है। तो आपने इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देना है। उसके बाद फिर आपने विंडो प्लस आर और आपने लिख देना है टेम्प। ये आपके पास दोबारा इसी तरह पेज ओपन होगा। ये अलग सी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, इनको भी आपने कंट्रोल ए करके डिलीट कर देनी है। मैं इनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका कोड शॉर्टकट की में मेंशन कर दूंगा, जिसको अगर समझना है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने इसको भी डिलीट कर देना है। उसके बाद एक कोड और है, आपने फिर उसी तरह ही विंडो प्लस आर एंटर कर देना है और यहाँ पे लिख देना है प्रीफेच और एंटर कर देना है। ये देख रहे हैं आपके पास बहुत सारी फाइल्स ओपन हो चुकी हैं, तो इनको भी आपने कंट्रोल ए करके डिलीट कर देना है। इससे आपका कंप्यूटर की जो रफ़्तार है वो तेज़ हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो को भी देख सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।